फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने एक ग्लास बॉटल ली हुई है। इसे मैं बेस कोट देने के लिए क्रैले कलर से पेंट करूँगी। आप चाहे तो जैसो भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ही पहला कोट मैं ब्रश से देती हूँ, उसके बाद सेकेंड कोट को स्पंज की हेल्प से देती हूँ, क्योंकि स्पंज का टेक्स्चर थोड़ा डिफरेंट होता है और अच्छा होता है। अगर पहले ही कोट में स्पंज की हेल्प लेते हैं तो फिर कलर ज़्यादा वेस्ट होता है और एक कोट में कुछ हो भी नहीं पाता है। इसलिए पहले ब्रश की हेल्प से एक कोट देने के बाद अगर स्पंज की हेल्प से दूसरा कोट देते हैं तो दो कोट पे ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारा ड्राई हो चुका है और अब मैंने लिया हुआ है ये एक पिक्चर, जिसे मैंने गूगल के हेल्प से डाउनलोड किया था। देन इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है, फिर इसे कट करके ऐसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये ग्लू बनाने के लिए मैंने फेविकोल और वाटर का बराबर मिक्सचर लिया हुआ है और दोनों को बराबर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस पिक्चर को इस पर पेस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर से भी हल्का सा ग्लू अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया होममेड क्ले। क्ले की हेल्प से मैं उस लड़की का स्कर्ट हाईलाइट करूँगी। स्कर्ट को पूरा क्ले से बनाऊँगी। ऐसे ही दो तीन लेयर लेने के बाद मैंने इस पर ऐसे स्कर्ट के शेप में पेस्ट कर दिया था और पूरा बनने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं लाइट पिंक कलर लेके इसे पेंट कर दूंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर उसे पेंट कर सकते हैं, या फिर डेको बॉस नैपकिन ले सकते हैं, डेको ट्रांसफर सीट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रिंट आउट निकाल कर फ़ोटो लगाई है, फिर उस पर ये क्ले वर्क किया हुआ है। मेरे प्रिंटर की इंक में कुछ प्रॉब्लम थी, जिससे कि ये जो फ़ोटो मैंने जब प्रिंट आउट निकाला था तो सारे कलर्स शेड सही नहीं आए हुए थे, इसलिए मुझे इस पर अलग से पेंट करना पड़ा था। अगर आपका प्रिंटर से फ़ोटो सही आ रही है, पूरा सारे कलर शेड सही आ रहे हैं, तो फिर आप इसे इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आप इसे पेंट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पेंट करना पड़ा क्योंकि कलर बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मैंने यहाँ पे स्किन कलर लिया हुआ है उसके हाथों को पेंट करने के लिए। इसकी टॉप का कलर पहले से स्काई ब्लू था, जो कि थोड़ा फेड था, तो उसे भी मैंने हाईलाइट किया था स्काई ब्लू कलर लेके।
अब ब्लैक कलर से पूरे की आउटलाइन बना लूंगी। ये वाइट पर्ल मैंने लिए हुए थे जो कि मैं इसके स्कर्ट पे लगाऊंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे थोड़ा हाईलाइट करना था इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्लू की हेल्प से लगाया है। तो ये रहा बॉटल का फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।